LG 65 इंच OLED अल्ट्रा HD 4K स्मार्ट टीवी। यहाँ पे इसमें OLED की स्क्रीन मिलती है जो कि बहुत बड़ी है। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो है 4K है। आप सभी को इसी LG 65 इंच OLED अल्ट्रा HD 4K स्मार्ट टीवी के बारे में सभी स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स एंड प्राइस इसी वीडियो में बताता हूँ। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉक्स कंटेंट से। तो अगर आप टीवी खरीदते हैं तो इसके साथ रिमोट कंट्रोल, बैटरीज देखने को मिल जाएंगी, यूजर मैनुअल, वारंटी कार्ड भी मिल जाते हैं। इसका जो मॉडल नेम है आपको डिस्क्रिप्शन में टाइटल में मेंशन कर दूंगा। 65 इंच जो है इसका स्क्रीन साइज है जो कि एक OLED है। अल्ट्रा HD 4K रेजोल्यूशन है, नंबर्स में बताऊं तो 3840x2160 पिक्सल्स का है। टोटल कनेक्टिविटी के लिए 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, 10 USB पोर्ट्स मिलते हैं, वाईफाई का भी ऑप्शन इसमें मिलता है। 2020 इसका लॉन्च ईयर है। ज़्यादा पुराना टीवी नहीं है, लेटेस्ट टीवी है। इसे जो है आप खरीदना चाहे तो खरीद सकते हैं। HDMI के जो पोर्ट्स हैं आपको दो साइड में मिलेंगे और दो पीछे मिलते हैं। वहीं पर USB का एक साइड में मिलता है और दो पीछे की तरफ देखने मिलेगा। हेडफोन जैक भी है तो आप ऑक्स केबल को यूज़ करके यहाँ पर आप अपने जो है होम थिएटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं पर एस्पेक्ट रेशियो टीवी का 16:9 है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और बहुत से फीचर्स जैसे डॉल्बी विजन, डॉल्बी एटमॉस, HDR इफेक्ट, HDR 10 प्रो, बिलियन रिच कलर, AI पिक्चर, AI ब्राइटनेस, ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी। AI 4 अपस्केलर भी है। अगर आपका कंटेंट 4K में नहीं है तो ये जो टीवी है उसे अपस्केल कर देता है। एडवांस कलर एंड कॉन्ट्रास्ट एनहांसर भी मिलता है। वाइट कलर गैमेट मिलेगा, पिक्सल डिमिंग का जो है यहाँ पे टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसी एप्लीकेशंस सभी इसमें चल जाती हैं। वेब OS मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, जैसे एंड्रॉयड हमको जो है दूसरे टीवी में देखने को मिलता है, वैसे ही LG के टीवी में वेब ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है। स्क्रीन मिररिंग का ऑप्शन दिया गया है, ब्लूटूथ भी है इसमें तो आप अपने वायरलेस चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। दो स्पीकर्स मिलते हैं टीवी में जो कि डाउन फायरिंग स्पीकर्स हैं। 60 वाट का टोटल आउटपुट मिलता है। डॉल्बी डिजिटल डिकोडर भी है, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड है, AI साउंड है इसमें, एंड 4.2 चैनल वाले जो है स्पीकर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर वॉइस यहाँ पे आप सुन पाएंगे। इस टीवी का जो प्राइस है वो 2,84,490 रुपीस है। इसमें जो आपको डिस्प्ले देखने को मिलेगा वो एक OLED डिस्प्ले है, तो जो पिक्सल्स हैं वो सेल्फ लिट वाले पिक्सल्स हैं। जो विजुअल्स आप देखेंगे काफी अच्छे दिखते हैं, डीपेस्ट ब्लैक्स, रिचेस्ट कलर्स देख पाएंगे, रियलिस्टिक एंड वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यहाँ पे 4K का रेजोल्यूशन है तो आपको जो इमेजेस है वो एनहांस्ड शार्पनेस एंड रिड्यूस्ड नॉइज के साथ देखने को मिलेंगी, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी बहुत सारा यहाँ पे जो है फीचर मिल जाएगा आपको। इस टीवी को वॉइस कमांड से भी जो है कंट्रोल किया जा सकता है। इस टीवी में होम डैशबोर्ड भी मिलता है जहां से आप अपने दूसरे जो स्मार्ट गैजेट्स होते हैं उनको कंट्रोल पाएंगे एक ही टीवी से। अगर आपको कंटेंट रिकमेंडेशंस चाहिए तो ये टीवी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अच्छे कंटेंट जो है यहाँ पे रिकमेंड करता रहता है। शार्प पिक्चर्स देख पाएंगे क्योंकि सेवलेट पिक्सल्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। फिल्म मेकर मोड भी मिलता है। अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट है जैसे कि यहाँ पे एप्पल टीवी, Z5, हंगामा प्ले, सभी यहाँ पे जो एप्लीकेशंस होती हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। स्पीडी रिस्पॉन्स है, गेमिंग वगैरह जो है यहाँ पे अच्छे से कर पाएंगे क्योंकि NVIDIA G-Sync कैपेबल है ये टीवी, G-Sync कंपैटिबल है। RR, ALLM एंड ARC भी इसमें जो है देखने को मिल जाएगा। लो इनपुट लैग है, HGIG प्रोफाइल मिलता है, गेमिंग वगैरह काफी बढ़िया कर पाएंगे, स्मूथ मोशन भी मिलता है। तो ये टीवी जो है ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही जो है मतलब प्रीमियम लेवल का टीवी है, LG की तरफ से आता है। सो कैसा लगा आपको ये LG का टीवी, मुझे अपने ओपिनियन जो है कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।